सो मैं हूँ अभय सिंह, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि आप लोग सोचते होंगे कि मेरा सेटअप क्या है। मैं सेटअप दिखाना चाहता हूँ, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो सेटअप है, मैं कहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, और सेटअप होना भी ज़रूरत होता है यूट्यूबर के लिए कि नहीं होना चाहिए। और मैं इस सेटअप के बारे में बात करने वाला, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर होंगे जिनके पास सेटअप है, खुद का सेटअप है, घर भी है, बहुत सारे सेटअप है, मगर मेरे पास मेरा जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास सेटअप है कि नहीं है। मैं आज बात करने वाला हूँ कि मेरे पास कोई भी सेटअप नहीं है दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने छत पे वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी मैं गांव से बाहर आके, मतलब जो आपको खेत दिख रहा है, मैं खेत पे आके मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग को सेटअप देखिए, यूट्यूब स्टार्टिंग करने के लिए कोई सेटअप मैटर नहीं करता, आपका कंटेंट मैटर करता है, आप कितने अच्छे से वीडियो बना के अपलोड करके जो है सो दोस्तों को शेयर करते हैं। आप देखिए, कभी भी सेटअप के पीछे मत भागिए। आप ये सोचिए कि आप कितने भी अच्छे, गंदे, खराब वीडियो बनाएंगे, आपका आवाज़ जो है सो बहुत अच्छा क्लियरली सुनाई देगा, तो आपके चैनल पे मैं आपके व्यूअर्स जो है, सब्सक्राइबर है, आपका ज़रूर देखेगा। किसी के मतलब यूट्यूब के होम पेज पे जाएगा तो ज़रूर देखेगा। आपका बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता, आपका सेटअप कोई मैटर नहीं करता, आपका कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट मतलब क्रिएटर जो आप है, अच्छा से कंटेंट डालेंगे और अच्छे से बोल पाएंगे, कोई भी कितना भी खराब वीडियो आप बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, तो आप जो है सो आवाज़, मतलब जो भी ऑडियंस आपको देख रहा है उसको साफ साफ सुनाई देगा, तो आपके जो है सो वीडियो को ज़रूर देखेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। तो आज हम बताने वाले हैं कि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, सिर्फ जुगाड़ से काम चलता है, और सेटअप होना नहीं होना कोई मैटर नहीं करता। आप यदि आप काम करते हैं तो सेटअप कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, और सेटअप होना नहीं चाहिए। मैं यही जानता हूं कि आप क्रिएटर है, वीडियो आप बनाना चाहते हैं, तो आप सेटअप के कभी भी, मेरे पास एक ट्राइपॉड, एक मोबाइल और सिर्फ एक बोया एम1 मैक है। मैं दो खरीदा था जो बोया एम1 मैक जो है सो ख़राब हो चुका है, और मेरे पास कोई लाइटिंग वटिंग कुछ भी नहीं है। मैं खुले छत पे वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पे भी वीडियो बनाता हूँ अच्छा से बनाता हूँ, और आप लोग को स्टूडियो दिखाना चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ, आप लोग को देखिए कि मेरा सेटअप, दोस्तों देखिए मेरा सेटअप टूर, आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा सेटअप टूर क्या है, और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सेटअप होना कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों। ये मेरा सेटअप टूर है, आप लोग को दिखा रहा हूँ कि सेटअप टूर में मैं आप लोग को देखिए, ये मेरा सेटअप टूर है। मैं चेयर लगा के यहाँ पे, इस पर ट्राइपॉड रख देता हूँ, इसमें मोबाइल माउंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। मगर आप लोग को सेटअप टूर देखने का, देखिए कोई कहीं पर भी लाइटिंग आपको नहीं दिखता है, सनलाइट जो भगवान की दी हुई लाइट से मैं वीडियो बनाता हूँ आज। आप लोग को देखिए, मैं यहाँ पे एक चेयर है, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये, मैं देखिए ये छोटी सी नदी है, जब पानी आती है तो यहाँ से जाता है, और ये सेटअप टूर आपको कहीं देखने को नहीं मिलता होगा, मैं ऐसा सेटअप टूर दिखा रहा हूँ। ये बगीचा है, आम का बगीचा है, आपको धान का पेड़ दिख जाएगा, और ये केले का पेड़ है। आप देखिए सेटअप टूर में आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन सा लाइटिंग है, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये सेटअप टूर है मेरा, और आप लोग को बता रहा हूँ कि देखिए मेरे आगे पीछे जितने भी है, सब जगह आपको पेड़ देखने को मिलेगा, खेत देखने को मिलेगा, और जो है सो खेत देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बड़ा सा पेड़ है, ये पेड़ के पास आके मैं वीडियो बनाता हूँ। देखिए ये पेड़ है, बहुत सारे ये इसी के छांव के नीचे मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहीं पे मैं चेयर रखा हूँ, यहाँ पे वहीं पे वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये देखिए, आप लोग मेरा सेटअप टूर देखना चाहते थे तो मैंने आप लोग को सेटअप टूर दिखा दिया, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी मैं बनाता हूँ वीडियो, आप लोग मेरे YouTube चैनल पे वीडियो जो देख के आप एक्सपायर हुए होंगे, तो आप लोग भी स्टार्ट कीजिए वीडियो बनाना, और सेटअप कोई मैटर नहीं करता है। आप छोटी सी दो तीन चीज़ स्टार्टिंग कर दीजिए, ट्राइपॉड तो होना ही चाहिए और माइक होना ही चाहिए, और बाकी आपके पास तो मोबाइल तो ऑलरेडी होता है ही होगा। तो आप सेटअप टूर देख लिए, आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ नए वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।